मतलब कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लाइफ से गुजरूंगा कि दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का आके गर्दनी बाग में धरना देगा। तो एक साल से लगभग कई सारे जो मेरे दोस्त उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो इस बार नए साल में जब उनसे मिलने गया ना, तो सर एक को एक क्या बोलते हैं 1.5 महीने की बेटी थी, 2 की शादी हो रखी थी, मतलब उनको देख के लग रहा था वो लोग सेटल्ड हो गए, और हमें बोल रहे थे कि कहाँ तुम बिहार में जाके फंस गए। इस लड़के को मैसेज आया, देखिए इस पे लिखा हुआ है, वैभव जी अपने पिताजी से बात कर लीजिए, माता पिताजी से बात कर लीजिए। सुजी अनितीश जी, आप अपने बेटा से कब बात करते होंगे और कितना फुर्सत में बात करते हैं? मेरी सारी परवरिश मुजफ्फरपुर में हुई है, उसके आगे चल के मेरी पढ़ाई हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं रेगुलर में रहा हूँ, मेरा पीजी हुआ है वहीं से, लेकिन मैं कुछ साल में प्राइवेट जॉब कर रहा था, और पता नहीं मेरे जीवन में कैसे पड़ाव में मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई दिल्ली की जीवन बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं पीछे पलटना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बिहार में आऊँ, यहाँ के लोगों से मैं कनेक्ट करूँ, यहाँ काम करूँ, और यही सब कारण है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ। लेकिन यहाँ का जो आलम है, जो जद्दोजहद है, सब आप लोग देख ही रहे हैं। मेरे साथ जो मित्र थे, मैं 11वीं में बनारस गया था पढ़ने, श्री कमलाकर चौबेदास सेवा विद्या इंटर कॉलेज में, मैं और मेरे गांव के बगल के एक लड़के गए थे, दोनों आदमी पढ़ने, संयोग से मैं पास हो गया द्वितीय श्रेणी से, सेकेंड डिवीजन से, लेकिन वो लड़के फेल हो गए, उन्होंने फिर प्राइवेट से पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, आज गुड़गांव में गुरुग्राम में कुछ काम कर रहा है, कमा रहा है, और आज हम बेरोजगार हैं, बीएड करके उसकी शादी विवाह सब कुछ संपन्न हो गई। क्या नाम है वो? सौरभ सर। कहाँ घर से? सर जम्मू से। इसका हम परिचय नहीं दिए, हम देते हैं। हम पहला वीडियो बनाए थे दिल्ली में जब हम रह रहे थे नौकरी वोकरी छोड़ के, तो और ईंटा पर बैठे हुए थे, ईंटा पर बैठ के वीडियो बनाए थे सबका, तो यही लड़का हमको कॉन्टेक्ट किया था वीडियो बनाने के लिए। हाँ गुरु, तो क्या कैसे बीत रहा है जीवन? सर मैं जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2011 में, उसके बाद मुझे बिहार से ही विदा कर दिया गया, तो घर वाले ने मतलब काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा कि घर वाले ने फिर मुझे दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई चली। मैं वो सोचता था कि काफ़ी ना ये जेल जैसा है, कि इस मैं जो मेरे से बड़े लड़के थे जो 22-23 साल के थे, उनको देख के खुशी होती थी, ये लोग अपना खुला जीवन जीते हैं, तो मुझे भी लगता था कि जब मैं इनके एज का हो जाऊँगा ना, जब स्कूल का लाइफ ख़त्म होगा तो बहुत अच्छा लाइफ रहेगा। लेकिन सर जब 11th में गए, 11th 12th तक तो हम लोग स्कूल से भागने के बिल्कुल प्लान रहता था, बुरारी में पढ़ता था सर, बुरारी में क्या होता था ना, हाँ सर बुरारी में पढ़ता था, सर्वोदय विद्यालय बुरारी रहा मेरा, तो वहाँ से क्या था कि तीसरे मंजिल पे मेरा था क्लासरूम, और हम जो थे क्या बोलते हैं मॉनिटर बना दिया गया था मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी लिख देता था अच्छा सा, तो सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, छुपा तो है नहीं आपसे, तो हम लोग क्या करते थे सर, पाइप था ना ऊपर तीसरे मंजिल वाला जो लोहे का पाइप लगा रहता था, उसको पकड़ के तीसरे मंजिल से नीचे उतर जाते थे, और पहले पीरियड में और लास्ट पीरियड में अटेंडेंस लगता था, लेकिन बाकी के बीच के पीरियड में कोई नहीं रहते थे क्लास में, सारे बच्चे गायब, तो वो खुशी थी, हम लोग सोचते थे कि ये हमारा दर्द है, लेकिन जब हम स्कूल से बाहर निकले तब पता चला कि नहीं, वो खुशी थी, अब बाकी तो अब दर्द स्टार्ट हुआ है। अभी के दर्द को कैसे परिभाषित करेंगे? सर ये जो दर्द है ना, वाकई अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कभी नहीं सोचा था कि ऐसे लाइफ से गुजरूंगा कि दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का आके गर्दनी बाग में धरना देगा। ऐसा यार दोस्त होगा जिसका शादी हो गया होगा, नौकरी लग गया होगा, वो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा होगा, तो क्या लगता है देखकर मिलकर बात करके फोन पे? एक साल पहले जब मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट आया था यहाँ पे जमुई में, तो मैं सोचा था कि अब मेरा जॉब हो गया, तो मैं जब बिहार आया अपना पूरा सेटल्ड होने बिहार में, तो एक साल से लगभग कई सारे जो मेरे दोस्त उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो इस बार नए साल में जब उनसे मिलने गया ना, तो सर एक को एक क्या बोलते हैं 1.5 महीने की बेटी थी, 2 की शादी हो रखी थी, मतलब उनको देख के लग रहा था वो लोग सेटल्ड हो गए, और हमें बोल रहे थे कि कहाँ तुम बिहार में जाके फंस गए, मतलब एक गाली हो गया सर हमारे लिए कि बिहार में, हाँ बिहार में शिक्षक बनने आए थे और क्या दुर्दशा करवा लिया है। सर ये जैकेट भी ना फट गया है, अब 11 दिन से पहन रहे हैं, और उसी मार पिटाई में फटा था जैकेट, अब इतना पैसा नहीं है कि दूसरा जैकेट ले ले इस टाइम। और जैकेट का नाम है वो? वैभव किशोर तिवारी। कितना उम्र हो गया? 29 साल हो। नहीं बोलना। 29 साल 5 दिन आज होता है। 35 साल के होके 29 साल नहीं बताना है। सर्टिफिकेट देख लीजिए। नाम पूरा सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बस। 29 साल के हो। कहाँ से आए हैं? कैमूर भगवान से। कैमूर से। कब? 11 दिन। 11 दिन से आप भी यहीं पे हैं? हाँ यार। कहाँ रहते हैं? इधर है उधर, इधर उधर। अगर ये पूछे सिंपल सिंपल सवाल कि जब समाज आपसे कुछ सवाल पूछता है कि क्या वैभव कर लिए जो करना था जिंदगी में, तो क्या जवाब देते हैं? बहुत बहुत कसक होती है। मेरे साथ जो मित्र थे, मैं 11वीं में बनारस गया था पढ़ने, श्री कमलाकर चौबेदास सेवा विद्या इंटर कॉलेज में, मैं और मेरे गांव के बगल के एक लड़के गए थे, दोनों आदमी पढ़ने, संयोग से मैं पास हो गया द्वितीय श्रेणी से, सेकेंड डिवीजन से, लेकिन वो लड़के फेल हो गए, उन्होंने फिर प्राइवेट से पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, आज
गुड़गांव में गुरुग्राम में कुछ काम कर रहा है, कमा रहा है, और आज हम बेरोजगार हैं। बीएड करके उसकी शादी विवाह सब कुछ संपन्न हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, आज तक हम इसी तरह भी टहल रहे। कैसे फेस करते हैं लोगों, क्या बोलते क्या करेंगे, अब तो वही ताना सुनना पड़ता है। बहुत ज्यादा डिग्री ले लिया है, कब नियुक्ति पत्र आवता, का हो वैभव जी कब नियुक्ति पत्र तारा बता, अरे कहिया योगदान करता ला स्कूल में, यह सुने के मिलता पढ़ लिख के, बड़ा दर्द होला ये सुनला पर। यही के दर्द के मिटावे खातिर आपके सामने देखी, एक मित्र हमारा मैसेज किया अभी 5:53 पर कि वैभव जी आप अपने माता पिता जी से बात कर लीजिए, दिखाओ इसको, आइए आइए आप अपने माता पिता जी से बात कर लीजिए, हम बात नहीं अपने माता पिता जी। इस लड़के को मैसेज आया देखिए, इस पे लिखा हुआ है वैभव जी अपने पिताजी से बात कर लीजिए, माता पिताजी से बात कर लीजिए। सोचिए नीतीश जी आप अपने बेटा से कब बात करते होंगे और कितना फुर्सत में बात करते हैं, याद रखिएगा। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। कितना उमर हो गया? मेरी उम्र 29 साल। कैसा बीत रहा जीवन? जीवन में संघर्ष है और समाज का तिरस्कार झेलने का मौका मिल रहा है, जो कि कभी उम्मीद नहीं था, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है इसकी वजह से अब झेलना पड़ रहा है। अभी कुछ आपसे छुपा हुआ नहीं। आपसे सवाल ये पूछेंगे, घर का अंदर का प्रेशर क्या होता है बिना बोले वाला? माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन माँ बाप का एक एक्सपेक्टेशन होता है बेटा से, कैसे झेल रहे हैं? आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले हमारे दो फ्रेंड बता रहे थे कि वो बड़े हैं और छोटी की शादी हो गई। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था लोगों को, लेकिन ये बहुत संवेदनशील है। उस बड़े भाई से उस बड़ी बहन के अंदर झांक के देखिए वो कितने दबाव में जीवन जी रहा है। अब अगर घर की बातें करेंगे तो घर वाले भी दबाव में देते हैं, और कहीं ना कहीं सगे हैं, माँ बाप सगे ही हैं, जाहिर है, लेकिन वो जो सम्मान में कमी आने लगती है, ठीक है ना, लेकिन इसके जिम्मेदार पूर्ण बिल्कुल 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 सही बात है। हम लोग को निठल्ला समझ लेते हैं, किसी काम के लायक नहीं, निकम्मा समझ लेते हैं, लेकिन इस सारे चीज़ों के लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, हमारी व्यवस्था है। तो आगे देखिए, हैंडल करने का हिम्मत कहाँ से आता है? सर मैं तो हिम्मत में सही बताऊं, मैं हिम्मत में खुद से जमा करता हूं, और हमारे जो साथी लोग हैं इनसे ऊर्जा हमें मिल रही है। सही बताऊं, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूं, मेरी सारी परवरिश मुजफ्फरपुर में हुई है, उसके आगे चल के मेरी पढ़ाई हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं रेगुलर में रहा हूं, मेरा पीजी हुआ है वहीं से, लेकिन मैं कुछ साल में प्राइवेट जॉब कर रहा था, और पता नहीं मेरे जीवन में एक ऐसे पड़ाव में मेरे अंदर से आवाज़ आई कि भाई दिल्ली की जीवन बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं पीछे पलटना चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बिहार में आऊँ, यहाँ के लोगों से मैं कनेक्ट करूँ, यहाँ काम करूँ, और यही सब कारण है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ। लेकिन यहाँ का जो आलम है, जो जद्दोजहद है, सब आप लोग देख ही रहे हैं, कुल मिला के यही है कि अब ये बताएं कि अगर मैं वहाँ से आना चाहता हूँ तो ये क्या मेरी गलती है क्या? ये ऐसा नहीं है ना? तो यही है जो ये जो मेरा सवाल है, इसके जवाब को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और आगे देखिए, हम लोग पॉजिटिव हैं, कुछ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट लड़का तो छूट ही जाता है साला। यहाँ राहुल झा, क्या राहुल झा एक बात बताओ, सब बातें एक तरफ, नौकरी फोकरी सब छोड़ो, नौकरी वोकरी के लिए कुछ नहीं होगा। मानो कि अगर कहा जाए कि एक पेज में लिखना है तुमको अपना अभी तक का जीवन, उसका संघर्ष, और इस बात का सोच कि तुम्हारा लाइफ स्टाइल एक दिन बढ़िया होगा, क्या लिखोगे? अगर लिखना होगा तो बस एक ही चीज़ लिखेंगे कि जो संघर्ष कर रहे हैं, बस अपने पहले तो जो चीज़ के लिए आए हैं शिक्षक बन जाएं, ये एक पहला मुद्दा हुआ। दूसरा बात, समाज में इतना तड़प रहे हैं प्रशांत भैया कि बताने वाला विषय नहीं है। लोग क्या बोलता है पता है? घटक तो आता नहीं है, अगुआ आता नहीं है। लोग क्या बोलता है कि बाबूजी इतना बड़ा गजिया सिला के रखे हैं, इसलिए शादी कैसे होगा, ऐसे ही महक जाएगा गाँव में, बोल दिए हैं। बड़ा तकलीफ होता है कि भाई इतना डिग्री लेकर ऐसा हाल में बैठे हुए हैं। पापा बाबूजी हैं, बाबूजी बेटा बेचारा एगो इकलौता बेटा है, मुंह देखते हैं तो दया आ जाता है कि बेटा कितना संघर्ष कर रहा है। 3 दिन पहले ही सौरभ जी लाइव हुए थे तो हम बोल दिए थे कि हमको वोमिटिंग आ गया, तो फोन करते हैं बाबूजी हमको घरे से, अरे बेटा ऐसा नौकरी छोड़ दो, खेती करिया आके, ये कैसन दुर्दशा में तू चल गया, मुँह कान करिया के सुखा गया। तो परिस्थिति ऐसे है हम लोगों का। अब संघर्ष का तो जो बात है, बचपन से ही संघर्षमय, एक मिडिल परिवार का तो संघर्षमय जीवन सब दिन रहवे करता है, अब बता नहीं सकते हैं। घटना हुआ, पढ़ने के लिए आए, पापा के साथ घटना हुआ, एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ, रोड एक्सीडेंट जिसमें उनका राइट हाथ हैंड कट चुका है, पापा का राइट हैंड कट चुका है, फिर भी पापा पूरा हिम्मत के साथ हमारे लिए काम किए। एक बहन थी हमारी, उनकी उसकी शादी अच्छे घर में हो गई, फिर भी पापा को ये था, एक पहले तो मन ये हो गया कि अब जीवन
क्योंकि एक करने वाला व्यक्ति जो संघर्ष करता है, संघर्ष करके अपने बच्चे को के भविष्य के बारे में बेहतर सोचता है, उसके साथ अचानक अगर कोई घटना घट जाता है, वो हाथ पैर से कहीं ना कहीं दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनके लिए जीवन रुक सा जाता है। तो पापा के लिए जीवन रुक गया था और कहीं ना कहीं वो बोलते थे कि अब ये जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग चारों, मेरी मतलब मेरी एक बहन है और हम हैं और मम्मी पापा चार आदमी हुए, तो बोलते थे कि चलो हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जीकर क्या फायदा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमारा रिजल्ट हमेशा बेहतर आया, तो पापा में भी एक जीने का तमन्ना जागा कि नहीं चलो बेहतर बाल बच्चे बेहतर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेहतर करें हम। तो उतना बहुत बहुत बड़ा शौक था हमारा भी बहुत कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में हमको कुछ बेहतर करने का मन था। तो हम 23 वर्ष में मात्र हम बीएड किए। ये लोग बहुत लोग ये बोलते हैं कि जब अंतिम ऑप्शन में कुछ नहीं बचता है तब जाके लोग बीएड डीएलएड करता है और शिक्षक बनता है। मतलब यू आर बाय नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। हाँ, बट मेरा चॉइस है, मेरा चॉइस है 100%। ये मेरा 100% मन का एक ये था कि हम एक शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि हम जो स्कूलों की हालत देखते हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों की हालत देखते हैं, तो उसमें हमको एक ललक जागा गांव से, बचपन से ही। आपको पता होना चाहिए प्रशांत भैया कि हम गांव में भी अगर रहते हैं, तो अगर हम फुर्सत में रहते हैं तो सरकारी स्कूल में पैसे नहीं मिलते हमको, लेकिन हम जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को कि कुछ अच्छा बेहतर उसको बता पाएँ, क्योंकि हम समझते हैं कि बेसिक एजुकेशन बहुत बेहतर एजुकेशन होता है, वहीं से आप यूपीएससी आईएएस पीसीएस मजिस्ट्रेट डॉक्टर सभी लक्ष्य उसको निर्धारण वहां से आप कर सकते हैं। तो मेरा ये शौक था और हम 23 वर्ष में मात्र बीएड किए और आज से तो झूल ही रहे हैं आज तक और शादी। अंतिम सवाल, ये सब कैसे हैंडल कर रहे हो सब चीज? हैंडल एक होता है ना, मतलब होता क्या है कि हम एक गाना सुनते हैं, एक वो फिल्म है प्रियंका चोपड़ा का मैरी कॉम, उसमें गाना है दिल्ली ये जिद्दी है। तो हम अभी आने से पहले हेडफोन लगाए हुए थे, अम्बुजी हेडफोन लगाए थे मेरे कान में, हम सुनते सुनते चलाते हैं स्कूटी चला के, तो हमको लगता है कि उसमें एक ट्यूनिंग है ना, आई 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 आई, मतलब हमको अच्छा लगता है कि हिम्मत। तो तुम्हारा हिम्मत का राज क्या है? हिम्मत बस यही है, देखिए सबसे बड़ा हिम्मत का राज है ना कि माँ पापा का जो चेहरा देखते हैं ना, तो कुछ गलत करने का भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गलत क्या करे हुए, अरे मन बहुत टूट जाता है लोगों का बात। मम्मी पापा से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं, वो हमको पता है कि अगर हम कुछ करेंगे भी नहीं ना, तो मम्मी पापा हमको बैठा के भी खिला लेंगे, लेकिन समाज में जो हमको मतलब भोगना पड़ रहा है वो बताने लायक नहीं है, मतलब हम वो बता नहीं सकते वो भावना को। ऐसे बहुत लोग बैठे जिनसे बात करना चाहिए, फिर से कैमरा मैन साहब इशारा कर रहे हैं कि बंद कर दीजिए और आपका बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो खत्म हो जाएगा बैटरी, तो बात खत्म हो जाएगा। तो मेरा नाम प्रशांत राय है, बाकी ऐसी कई कहानियाँ यहीं बैठ कर रोज करेंगे, आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ सड़क पर बैठ कर अपने हक को मांग रहे ये युवा आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ सड़क पर बैठकर शाम के 5 बजे पीएमसीएच का शुक्रिया रहेगा आपका, पहने वाला टी शर्ट पहने लड़का आपको चेतावनी नहीं दे रहा है, बस ये विनम्रता पूर्वक समझा रहा है कि नीतीश जी मान जाइए, न मानिएगा ना तो उखाड़ दिए जाइएगा। नमस्कार।